जब से हुई है शादी। सोचने वाली बात है कि साथ में बैठने बैठे हैं खाना खाने, हम लोग उठ के रेडी होकर सब कुछ हो गया हमारा और उनका, बस खाना खा के गए हैं, फेस वॉश करके आए हैं और रेडी तक नहीं हो पा रहे हैं। आप लोग भी ऐसा इंसान पहली बार देख रहे हो। तो डॉक्टर ने इनको प्रिस्क्रिप्शन में बोला कि आप जा करके ज्वेलरी शॉप पे जाइए और वहाँ पे कुछ खरीदारी कीजिए, तब आपका जो ब्लड प्रेशर है वो ठीक हो जाएगा। हटो गंदा सा मुंह लेकर के यहाँ से। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं प्रिया आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल आरोही श्लोक ब्लॉग में। तो बताइए आप लोग कैसे हैं, आई होप बहुत अच्छे होंगे और हम लोग भी अच्छे। अभी हम जा रहे हैं कहीं, कुछ काम है बाहर मार्केट में, तो मिलवाते हैं अपने पति देव से। वैसे तो आप लोग मिल ही चुके हैं 50 बार, बट एक और रूप से इनके मिलवाते हैं। हम 5 बजे निकाले थे खाना खाने के लिए, मतलब हम लोगों का डिनर हो जाता है सूर्यास्त से पहले, तो 5 बजे जाना था कहीं मार्केट, तो हम 5 बजे निकाल दिए हैं खाना खाने के लिए। 5 बजे 4 प्लेट निकाले हैं, दोनों बच्चों का और हम दोनों का। हम लोग की प्लेट फिनिश हो गई, उसके बाद बच्चों को रेडी भी कर दिया, दोनों रेडी होकर बाहर वेट कर रहा है, लेकिन तब तक इनका खाना ही फिनिश नहीं हुआ है। उसके बाद मैं आकर रेडी हो गई हूँ और ये अभी तक क्या कर रहे हैं जी, हा? क्या कर रहे हैं, जल्दी करो, लेट हो रहा है ना, डॉक्टर चले जाएंगे, इनको समझ में नहीं आता। अगर बच्चा डॉक्टर हॉस्पिटल में उठ गए, चले गए, 6 बजे तक डॉक्टर चले जाते हैं, तो अगर चले गए ना तो फिर हम आपको कहीं लेके चले जाएंगे शॉपिंग करवाने। अगर आप शॉपिंग से बचना चाहते हैं तो जल्दी करिए। डॉक्टर चला जाएगा तो कल नहीं मिलेगा, तो हम कल फिर रेडी होएंगे, फिर बच्चों को कल रेडी करेंगे। एक नंबर के, मतलब क्या बताएं, हमको इतना गुस्सा आता है, कभी कभी ना चिड़चिड़ाहट हो जाती है इनके ऐसे ऐसे कारनामों से। यहाँ लेडीज वेट, जेंट्स वेट करते हैं, सॉरी, यहाँ जेंट्स वेट करते हैं कि जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, और यहाँ मुझे वेट करना पड़ता है कि जल्दी रेडी होइए। सोचने वाली बात है कि साथ में बैठने बैठे हैं खाना खाने, हम लोग उठ के रेडी होकर सब कुछ हो गया हमारा और उनका, बस खाना खा के गए हैं, फेस वॉश करके आए हैं और रेडी तक नहीं हो पा रहे हैं। ऐसा पहली बार मैंने अपनी लाइफ में देखा है और शायद आप लोग भी ऐसा इंसान पहली बार देख रहे होंगे, ऐसा आदमी, ऐसा लड़का। मैं क्या करूं, मैं तो परेशान हो गई हूँ, जैसे लगता है कि बहुत, पता नहीं कितना रेडी होते हैं, कितना रेडी होते हैं, कुछ तो बोलिए, सब शर्म आ रही है बात बोलने में कुछ। और रेडी क्या होते हैं, फेस तो देखो क्या रेडी हुए हैं, बहुत किए फेस वॉश करके, थोड़ा सा पाउडर लगा लिए हैं बस, उतना हम भी किए हैं, हम भी बस पाउडर ही लगाते हैं। क्या प्रॉब्लम क्या है, लेट हो रहा है और क्या प्रॉब्लम है, क्या करें। देखो बच्चे बाहर बेचारे वेट कर रहे हैं, देखिए मेरे बच्चे वहां पे वेट कर रहे हैं, लेकिन पति देव जाने का नाम नहीं लेते, इसीलिए इनको जल्दी लेकर ही नहीं जाना चाहिए, इनको छोड़ देना चाहिए घर पे, लेकिन अब क्या करें, अब शादी हुई है तो निभाना ही पड़ेगा, जब से हुई है शादी। ये है मेरा मेडिकल बुक और इसमें है मेरे दांत का एक्सरे, एक्सरे हुआ था उस दिन, ये हॉस्पिटल उस दिन ये गए थे ड्यूटी, तो फिर मैं गई थी अपना दांत दिखाने, एक दांत में पता नहीं क्यों पानी लग रहा है, मतलब ठंडा गर्म लग रहा है, वही डॉक्टर को दिखाए थे तो एक्सरे लिख दिया, मैं तो डर गई, दांत का भी एक्सरे होता है ये, तो मैंने फोन करके बोला तो बोल रहे कि दांत का भी एक्सरे होता है क्या, तो बोल रहे हाँ होता है, तो फिर मैंने उस दिन करवाया था, श्लोक को लेके गई थी और स्कूल गई थी, ये ड्यूटी थे, तो फिर आज भाई जा रहे रिपोर्ट दिखाने, उसके बाद मुझे कुछ बाहर काम है तो वहाँ भी जा रहे शॉपिंग के लिए। हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, केम छो। मैं देश की उस जनता से संबोधित, उस जनता को संबोधित करना चाहता हूँ जो कहता है कि नारी जो है वो बेवकूफ होती है। किसने कहा नारी बेवकूफ होती है, और अपने भारत देश की नारी कहाँ बेवकूफ होती है, वो तो इतनी होशियार होती है कि जाना आता रहता है हॉस्पिटल और लेके चले जाती है, देखिए ज्वेलरी शॉप पे। अच्छा, इसलिए होशियार है, दिखाइए हमको कौन वो बेवकूफ बोलता है कि औरतें बेवकूफ होती है, उस मेरे को बताइए आप, चालाक होती है ना, वो हिंदुस्तान की औरतें जो है वो प्रचंड, मतलब बुद्धिमान होती है, जहाँ बस वो तो बस गए थे ऐसे ही डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर नहीं थे, तो डॉक्टर ने इनको प्रिस्क्रिप्शन में बोला कि आप जा करके ज्वेलरी शॉप पे जाइए और वहाँ पे कुछ खरीदारी कीजिए, तब आपका जो ब्लड प्रेशर है वो ठीक हो जाएगा, होगा ठीक ना, और दांतों में जो दर्द है वो ठीक होगा, तो वो सीधे वहाँ गई और वहाँ जाकर ठीक हो गया ना। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ कि वो ठीक हो गया, आप देखिए। तो हमने क्या लिया है, करवा चौथ की तैयारी है, बाकी
हाँ लेना ही है, वो तो लेना ही था, आज नहीं तो कल लेना था कि नहीं, तो वही सोचे कि अब आज निकले हैं घर से तो निकल लें, फिर दूसरे दिन रेडी होना पड़ता है, फिर जाना पड़ता है। देखिए पहले बहुत पहले हमारी दादी के जन्म, मेरे दादी के समय की मैं बात बताऊं तो वो लोग इतना मोटा मोटा, देखिए इतनी मोटी मोटी चांदी की वो पैरों में पहना करती थी, हाथों में कलाइयों में पहना करती थी। मैंने इनसे कहा कि आप वो पहनिए, वो बहुत ही अच्छा और बहुत ही टिकाऊ होता है, आप सालों साल पहनिए उसको, सालों वो टूटने का नाम ही नहीं लेगा, ठीक ना। इतना मोटा मोटा होता है भाई साहब, वो पूरा गोल सा एकदम पूरा आंकड़े में हाथ में पहनिए, पैर में पहनिए, गले में पहनिए, जहाँ पहनिए, मेरी दादी पहनती थी, मेरी नानी पहनती थी, तो वो इतना अच्छा था कि वो 10-10 साल तक वो लोग कुछ खरीदते नहीं थे, और उसमें इतना चांदी कि ये सब तो उसके सामने कुछ भी नहीं। तो ये मैं बोलता हूँ उनको कि आप वो खरीदो और वो पहनो, लेकिन बेकार ये सब छुटपुट वाली चीजें खरीद करके बेवकूफ बनाना, बेवकूफ बनने वाली बात है। फिर भी बहुत लोग पायल पहनते हैं, एक दो साल तक, मतलब एक साल में। ठीक है चलो हटो यार, तुम जाओ यार यहाँ से, तुम भाओ जाओ यार, ठीक है ना, मेरे को बात कर, तुम हटो यहाँ से, तुम जाओ, तुम जाओ, तुम्हारे मुंह से बदबू आ रही है, तुम जाओ, बता, तुम्हारे मुंह से बदबू आ रही है, तुम जाओ यहाँ से, मेरे सब जो है फैन भाग जाएंगे, तुम जाओ, भाग जाएंगे। दिखा दे, ये है बिछिया लिए हैं, दिख रहा है, हाँ ये है मेरा बिछिया और ये है पायल, पायल जो कि आप लोगों ने देख लिया है, काफी ब्यूटीफुल है, बाकी काफी सुंदर लग रहा है, स्टोन वगैरह लगे हैं और अच्छे लग रहे हैं। ठीक है अब हो गया ना, अब जाइए आप, मैं अपने गमों को, अपने गमों को लेकर के अपने दोस्तों के साथ अपने, मैं अपना गम बांटूंगा, अपना दुख बांटूंगा, हटो गंदा सा मुंह लेकर के यहाँ से। इसीलिए लेट करते, जब मैं बोलती हूँ कहीं चलने के लिए ना, पहले धीरे 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 लेट करते हैं कि जाना ना पड़े हमको, लेकिन फाइनली आपको जाना ही पड़ेगा, कहाँ कब तक बचेंगे हमसे। ओके बाय। क्या बाय। तो आप लोगों को आज का ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इनका अगर रोता हुआ चेहरा अच्छा लगा हो तो वीडियो को, हमारे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं तो ये और रोने लगेंगे कि मेरे क्या। The next day. ऐसे कौन करता है भाई, एक चम्मच आप साबूदाना की खिचड़ी खा रहे हैं और एक चम्मच हलवा खा रहे हैं, हाँ मिक्स करके, ऐसा तो हम कभी नहीं देखे किसी को खाते हुए, आनंद आता है आनंद। लोग ये करते हैं कि एक बार मतलब फिनिश कर लिए नमक, फिर उसके बाद मीठा खा लिया, फिर पहले मीठा खा के नमक खा लिया, अलग अलग। हाँ ठीक है खाओ बाबू, चिपक गए हैं तो खाओ बाबू, खाओ तो नहीं चिपकेगा। तो ये अनोखा खाने का आइडिया आपको कहाँ से आया, या फिर मैंने नहीं किया है इसलिए मुझे अनोखा लग रहा हो, अगर लोग करते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज करिएगा कि ऐसा करते हैं कि नहीं, एक चम्मच ये खाएंगे और एक चम्मच हलवा खाएंगे, और ये इसीलिए फास्ट रहते हैं। हाँ आज नवरात्रि का पहला दिन है, दिन का फास्ट है, मेरा भी है, तो इसी उपलक्ष में इनको ये सब खाने को मिलता है ना जी। ये दोपहर का है, सुबह फ्रूट्स खाए, अभी दोपहर में ये खाने बैठे, अब रात्रि का पता नहीं क्या करेंगे ये। तो आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं, आप भी बोलेंगे खाने में मस्त रहेंगे, अच्छा खाइए। अब आप कैसे जाएंगे, चाबी ऐसे ही खोल, ओ तुमसे तो बंद ही नहीं हुआ था, अब जा रहे हैं वो घूमने, जाओ अब क्या होगा, तो जाओ चप्पल पहना दे, डैडी जा रहे हैं ऑफिस, तुम्हारा सब खिलौना, डैडी ऑफिस जा रहे हैं, डैडी ऑफिस, तुम्हें भी ऑफिस जाना है, क्या गलती से गिर गया, तुम कहाँ से पाए ये कलर, कहाँ से मिला तुमको, अब तो तुम्हारी हम पिटाई करें, हाँ अब गिरा है ना, अब तुम्हारी पिटाई हम करेंगे, तुम चौक लेके जो लिख रहे हो ना, अभी तुम्हारी पिटाई करेंगे, गलती से कैसे गिरा, अब तो हम पीटेंगे तुमको, नहीं मारेंगे, हाँ दो हमें पहले, जाओ हाथ धो के,
जाओ हाथ धो के जाओ हटो, पहले मार खा लो तब। इधर देखो, पहले मार खा लो। अरे पकड़।